भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 31,661 पदों को लेकर के विरोध प्रदर्शन अभ्यर्थी करेंगे। भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर यह विरोध प्रदर्शन है। सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे, 15 दिन बीत जाने के बावजूद ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। बहुत पीछे इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अटका हुआ है, इसी बीच में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई चल रही है। उधर दो गुट बटे हुए हैं अभ्यर्थियों के बीच में। एक अभ्यर्थियों का गुट वो है जिस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक चाहता है, दूसरा गुट ये है जिनके नाम है 31,661 लोगों में, वो ये कह रहे हैं कि अब तक तो 15 दिन हो गए साहब, अब तक की ये भर्ती प्रक्रिया हो जानी चाहिए, अब इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 विवाद भर्ती, मैं विवाद भर्ती इसलिए कह रहा हूँ कि इस शिक्षक भर्ती में शिक्षकों की तो भर्ती नहीं हुई, लेकिन कुछ भी नया होता है तो विवाद जरूर नया उत्पन्न हो जाता है, और ऐसा ही कुछ अब देखने को मिल रहा है। जब मुख्यमंत्री ने एक हफ्ते के अंदर 31,661 पदों पर भर्ती की बात की, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, और अब अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। SCERT के कार्यालय के बाहर बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुँचे। आप लोग आज यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, आखिर वजह क्या है? जी, बीते 19 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है आदेश दिया था कि 31,661 शिक्षक भर्ती को एक हफ्ते के भीतर जो है पूरी करके नियुक्ति पत्र बांटा जाए और इनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। 19 सितंबर को आज जो है 17 दिन हो गया है, विभाग की तरफ से एक नोटिस तक जारी नहीं किया गया। आप लोग 69,000 वाले इतना धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं भाई? पहले MRC वाले कर रहे थे, फिर कोई और कर रहे थे कि भर्ती ना हो उसके लेकर भर्ती कर रहे थे, अब आप लोग भर्ती होने के लिए कर रहे हैं, आखिर इतना अभ्यर्थी अभ्यर्थी क्यों क्यों लड़ाई? अभ्यर्थी अभ्यर्थी में भैया कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये है कि ये सीधा जवाब है इसका, अधिकारियों का लापरवाही। ये लोग जानबूझ के ऐसा काम करते हैं कि भर्ती जाके फंसे।